हेलो दोस्तों, बात करते हैं। आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की पटवारी लेखपाल भर्ती, जो आपका यहाँ पर 12 फरवरी को हुआ था री एग्जामिनेशन। उसके बाद से यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिजल्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। कई लोग पूछ रहे थे कमेंट करके रिजल्ट कब तक आएगा। इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट कितना समय में आपका आएगा और कितना आपको वेट करना है, ठीक है। और इसमें जो है काफ़ी एक्सपेक्टेड बता रखा है मैंने, एक्यूरेसी लगभग लगभग 90% के करीब जो है लगभग सही होना ही है यहाँ, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपके नंबर इतने में बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है कि होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है, तो आप चेक कर सकते हैं। और आपके कितने नंबर बन रखे हैं वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, हर एक जनपद में कैटेगरी वाइज अगर बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कितनी पोस्ट हैं। अल्मोड़ा में 150 के करीबन हैं, जिनमें हम फीमेल में 12 हैं, और SC ST OBC आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऐसी बागेश्वर में टोटल देख सकते हैं आप कितनी है, चंपा में देख सकते कितनी है, देहरादून में कितनी है और नैनीताल में कितनी है। ये सारी सारी पोस्ट आपको जिलेवार देखने को मिलेगा। और इस बार की जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर, और जो कट ऑफ मिलेगी वो जिलेवारी मिलनी है। और इसका रिजल्ट अगर बात करूँ तो जल्दी लगभग लगभग 3 महीने के अंदर जो है इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि नहीं, मई की, चलो कि मई तक जो है, जो लोग कमेंट करके पूछ रहे थे मई तक रिजल्ट आ जाएगा, तो वो आपको बता दूँ कि लगभग लगभग मई तक आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। और आपको बता दूँ कि इसकी जो जिलेवार यहाँ पर अगर मेरिट बात करूँ तो मेरिट बनाना काफ़ी दिक्कत का काम है इसमें, क्योंकि जिलेवार है इस बार। और लेकिन इसका जो ओवरऑल है, अगर आपका इतने नंबर हैं तो आपका चयन हो सकता है, क्योंकि हर एक जिले की ऊपर नीचे जा सकती है, ठीक है। ज़्यादा जहाँ कॉम्पिटिशन होगा वहाँ पर जो है आपका हाई जा सकती है, जहाँ पर थोड़ा लो कॉम्पिटिशन होगा वहाँ पर पोस्ट भी कम ही वैसे तो आपका जो है वेरी करता रहेगा, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा एक्सपेक्टेड वो बिल्कुल बिल्कुल सही आपका जाने वाला है। चलिए जानते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ, लगभग लगभग 5 नंबर तक का आपका ऊपर नीचे हो सकता है। 5 नंबर भी क्या, आपका 3 ही नंबर तक हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। इतनी एक्यूरेसी आपको मैं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद और काफ़ी लोगों के चैनल के रिव्यूज़ भी मैंने आपको देखे यहाँ पर दिखे थे, पोल और सब कुछ चेक करा है, कई लोगों के कमेंट देखे थे। तो उसके बाद काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये मैं इस जो कट ऑफ बना रहा हूँ वो अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग 100% तो नहीं, लगभग लगभग 90% आपका यहाँ पर देखने को सही मिल जाएगा जब आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगर जनरल में लगभग लगभग आपके 68 से लेकर 70 के बीच में है तो आपकी पॉसिबिलिटीज है कि आपका नंबर आ जाए, ठीक है। कई लोग के मैंने देखे हैं लगभग लगभग 72 74 वाले भी हैं कई जनपदों में अलग अलग, ठीक है। वेस्ट वाले ज़्यादा हैं और 80 वाले काफ़ी कम मिले इस बार। 80 वाले कमेंट काफ़ी काफ़ी क्या, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, ठीक है। जिन्होंने भी करा होगा मजाक में, कई लोग 90 ऐसे कुछ लिख रहे थे, लेकिन 80 वाले जो है लगभग लगभग इतना काफ़ी कम मिले होंगे। अगर आए भी होंगे तो एक आध जगह से हो सकते हैं। ज़्यादातर जो आंसर्स आए थे, कई लोग कमेंट आए थे लगभग लगभग 74 72 करीबन आए थे। यानी कि मान के चले हम अगर जनरल के बारे में बात करें तो 68 के करीबन, ठीक है। ऊपर नीचे 3 नंबर आप घटा लीजिएगा, अगर लगभग लगभग 65 भी जा सकती है, मेरे कहने का मतलब ये है। ऊपर नीचे मतलब ये है कि 73 भी आपकी जा सकती है, हाईस्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी के बीच में, इसी रेंज में रहनी है। तो अगर आपके इतने नंबर बनने जनरल कैटेगरी में है तो आपका हो सकता है कि आप चयन आपका हो जाए, ठीक है। अगर OBC में हो, क्योंकि हर एक जनपद का बताना मुश्किल है और कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकता कि किस जनपद कितनी जाए, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकती है। हो सकता है कि कहीं बागेश्वर का मान लो यहाँ पर 65 जाए, पिथौरागढ़ का मान लो यहाँ पर 69 जाए, तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो लेकिन आपको जो मिलेगा एक्यूरेसी इसी रेंज में मिलेगा, लगभग लगभग 68 लेके 70 के बीच में अगर आपके हैं तो आप सिक्योर मान के चले आपका चयन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका चयन आपका हो जाए। और वहीं OBC में अगर 67 से लेके 69 के बीच में अगर हैं तो डेफिनेटली आपका हो सकता है। अगर वहीं EWS की बात करें तो यहाँ पर 65 से लेके 67 के बीच में EWS में चांसेस बनते हैं। और वहीं यहाँ पर SC में 64 से लेके अगर 66 के बीच में है तो डेफिनेटली आपका नंबर आ सकता है, बिल्कुल। और वहीं SC में लगभग लगभग ST में 62 के करीबन आपके लगभग अगर इतने नंबर भी हैं इसके बीच में तो आपके बिल्कुल बन सकते हैं। ऐसा नहीं करो कि जो SC ST वाले ना, लगभग लगभग 60 तक का भी आपका पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। कहीं कहीं जनपद में आपको 60 तक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपकी एक्यूरेसी है। तो लगभग लगभग इतने नंबर में अगर आपके पास इस कैटेगरी में नंबर है तो आप निश्चित तौर पर चलें कि आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। पॉसिबिलिटीज है कि लगभग लगभग 90% आने की पॉसिबिलिटीज है, जो कि काफ़ी गहन जो एनालिसिस कर रखा है उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो सकता है। और रिजल्ट अगर बात करूँ, कई लोग कमेंट करके बता रहे थे, तो मई तक जो है पॉसिबिलिटीज है कि इसके रिजल्ट जो है तैयारी कर दी जाएगी पूरी।